कोरोना वायरस के दो टीकों को पिछले दिनों मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने टीकाकरण पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने बताया है कि वो मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर टीके को रोल आउट करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि कोरोना के मामलों में कमी की वजह से देश में स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ पहले से काफी कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर हम वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को करना होगा। DCGI ने पिछले हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी इस्तेमाल के लिए दे दी थी। टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुद को लाभार्थी के रूप में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका डेटा एक थोक डेटाबेस में स्टोर किया गया है। राजेश भूषण ने कहा कि जब हम जनसंख्या प्राथमिकता समूह में आएंगे तो डेटा के रजिस्ट्रेशन या एडिटिंग के प्रावधान का इस्तेमाल किया जाएगा। सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोशल आवंटन की अनुमति देता है, ये प्रक्रिया डिजिटल होगी। राजेश भूषण ने आगे कहा कि भारत में कोरोना वायरस की एक्टिव मामलों की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है और लगातार कम हो रही है। इससे स्वास्थ्य ढांचे पर बोझ काफी कम हुआ है। वहीं पॉजिटिव रेट 1.97% पर है। उन्होंने आगे कहा कि कुल एक्टिव मरीजों में 43.96% मरीज स्वास्थ्य केंद्रों में हैं, जबकि 56.04% मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।